नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां द्वारका क्षेत्र में रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला का आयोजन बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारा किया गया, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन काल को समझाया। यह रामलीला स्कूली बच्चों के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें 25 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि यहां 4 साल से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूलों के बच्चों द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। दशहरे वाले दिन हमारे हर दिन के राम को बुला रहे हैं, और वो जो राम 10 स्कूल लीला किया और 10 राम वहाँ पर आ रहे हैं, तो रावण के जो 10 सिर हैं, कि हम वो एक प्रतीक रूप में ऐसा कर रहे हैं कि ये जो 10 सिर है, ये रावण के मेरे 10 राम उसका विध्वंस करेंगे, और एक प्रतीक के रूप में समाज को संदेश देंगे कि देखिए, आप बुराई को दूर नहीं कर पा रहे हैं, पर धीरे धीरे हम बुराई को दूर करने में सक्षम हो रहे हैं। विश्व की एकमात्र और अकेली और पहली रामलीला है, जिसमें आप अलग अलग स्कूल के बच्चों से हम रामलीला कराते हैं। इसमें एक एपिसोड, जैसे राम जन्म से लेकर ताड़का वध का एक एपिसोड है, वो एक स्कूल करता है, तो अगले दिन सीता स्वयंवर दूसरा कोई स्कूल करता है, तीसरे दिन राम वनवास का दृश्य कोई दूसरा स्कूल करेगा, और उससे अगला एपिसोड दूसरा स्कूल। इस तरह रोज़ हमारे राम, लक्ष्मण, सीता और सारे किरदार, हमारे सारे पात्र रोज़ बदलते रहते हैं। ये एक अकेली अपने आप में ऐसी रामलीला है जो आपको विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। प्रदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही में डूंगरपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। तय समय से करीब आधे घंटे की देरी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजकीय विमान दोवड़ा हवाई पट्टी पर उतरा, जहां मुख्यमंत्री का जिले के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। गहलोत ने यहां पहुंचकर कानून व्यवस्था का जायजा लेते हुए आपराधिक मामलों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद वे हुमणपुरम के लिए रवाना हो गए। डीडवाना में कुरेशी वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में 7वां इज्तिमाई निकाह का आयोजन हुआ। इस मौके पर कुरेशी समाज के 31 जोड़ों ने निकाह कबूल किया और जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हमसफर बने। इस मौके पर दुल्हा दुल्हनों ने जैसे ही कबूल है, कबूल है, कबूल है के साथ निकाह के लिए रजामंदी दी, वैसे ही मुबारकबाद और गले मिलने का दौर शुरू हो गया। सैकड़ों लोगों ने सिर पर सेहरा सजाए दूल्हों को बधाई दी और दुल्हनों को भी नेक दुआएं दी। विवाह सम्मेलन में डीडवाना विधायक चेतन डूडी और पूर्व सानवी मंत्री यूनुस खान भी पहुंचे और दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर उनके शादीशुदा जिंदगी की कामयाबी की दुआएं की। यूपी के हाथरस में दिल्ली से जा रही राजधानी एक्सप्रेस से एक युवक ट्रेन से गिर गया। इस हादसे में युवक के दोनों पैर कट गए। वहीं पीड़ित के दोस्तन ने चैन पुलिंग कर ट्रेन रोकी। यहां से फिर युवक को राजधानी उपचार के लिए लाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, युवक बिहार में टाटा नगर में एक बैंक में कार्यरत था। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां शाहबाद नगर के रहने वाले गौरव ने कराटे प्रतियोगिता जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। 12वीं यूनिवर्सल इंडो नेपाल ओपन कराटे चैंपियनशिप 2019 में गौरव कुमार स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन नैनीताल के शैली स्टेडियम में हुआ, जिसमें नेपाल और भारत के विभिन्न प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया। गौरव की इस जीत पर परिवार और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल बनाए हुआ है। ये 12वीं यूनिवर्सल इंडो नेपाल ओपन कराटे चैंपियनशिप नैनीताल में हुई थी, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पुलिस टीम ने बाइक चोर गिरोह के 8 सदस्यों को हिरासत में ले लिया। बहेड़ी थाना क्षेत्र पुलिस ने जानकारी के चलते चोरी की गई 20 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए चोर गिरोह के 8 लोगों को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान बरेली के SSP शैलेश कुमार पांडे ने सीनियर सिटीजन के हित में बात करते हुए बताया कि जिले भर में रह रहे वृद्ध लोगों की सुरक्षा को लेकर भी बरेली पुलिस उच्च स्तर पर कार्य कर रही है। जनता की सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, जिनकी मदद से आम जन को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। थाना बहेड़ी टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए वाहन चोरों का एक बड़ा गैंग पकड़ा है, जिसमें कुल 8 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं, और साथ ही साथ इनके पोजीशन से 20 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है और कुछ पार्ट्स भी बरामद हुए हैं, जो मोटरसाइकिलें कटवा के बिछवा दी गई थी। इसमें चोर, जो मैकेनिक, जो वाहन बिछवाने में काम करते थे और काटने वाले,
ये सभी इस गैंग में है और इस तरह से एक बड़ी कामयाबी है। हाथरस में रामलीला मंचन के दौरान अश्लीलता फैलाने का मामला सामने आया है। हाथरस क्षेत्र में इन दिनों रामलीला मंचन के बहाने आयोजकों द्वारा फुहड़ता परोसी जा रही है। दरअसल भीड़ जुटाने के लिए रामलीला मंच पर बार बालाओं के जरिए फिल्मी गानों पर डांस करवाया जा रहा है, जिसके चलते रामलीला मंच किसी डिस्को से कम नहीं लगता। गोरखपुर जिले के गोला ब्लॉक में नवरात्रि की धूमधाम देखी गई, जहां ग्रामीणों ने सम्मिलित होकर माता रानी के दर्शन किए। सिधारी गांव के सभी पांडालों में हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह बना हुआ है, जिसके चलते भक्तों ने पांडाल बनाकर माता की स्थापना की। बताया जा रहा है कि पांडालों में भक्तों ने भारी संख्या में शामिल होकर माता की पूजा अर्चना की। यूपी के सुल्तानपुर में बाइक सवारों ने पूर्व विधायक के भतीजे को गोली मार दी। मामला धम्मोर थाना क्षेत्र का है, जहां बदमाश फिल्मी स्टाइल में सपा के पूर्व विधायक के भतीजे को गोली मारकर फरार हो गए, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए ट्रोमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं गोली कांड के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अभी हाल ही में जानलेवा हमले के मामले में घायल युवक जेल से छूटकर बाहर आया था। पुलिस मामले की गहराई से छानबीन करने में जुटी है। मथुरा क्षेत्र से एक युवक की मौत की खबर सामने आई है। मृत युवक का नाम दुर्गेश बताया जा रहा है, जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर मृतक के शव को पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद बलदेव थाना अध्यक्ष राजीव कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर अमरेली से है, जहां बक्सारा मार्केटिंग यार्ड द्वारा किसानों की अकस्मात मृत्यु पर मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी की गई। क्षेत्र में किसानों की अकस्मात मृत्यु होने पर मार्केटिंग यार्ड द्वारा 50,000 रुपयों की रकम अदा की जाती थी, जिसमें बढ़ोतरी करते हुए यार्ड ने अब 75,000 रुपये प्रति किसान देने का निर्णय लिया है। हाल ही में मृत किसानों के परिवारों को इस रकम की अदायगी की गई। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक बाफकुभाई उधांड, मार्केटिंग यार्ड के चेयरमैन कांतिभाई सतासिया, उप प्रमुख विकास भाई मोदी और देवराज भाई रंग वल्लभ भाई गोधाणी विशेष रूप से मौजूद रहे। गुजरात के जम्बूसर में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर रोटरी क्लब और शंकरा हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित हुआ। आपको बता दें, नवयुग विद्यालय में हर महाप्रभु सेवा के तहत विभिन्न सेवा गतिविधियां होती है, जैसे रक्तदान शिविर, रोग निदान शिविर और नेत्र शिविर। यहां निशुल्क नेत्र शिविर में आंखों की जाँच की गई और रोगियों को दवा दी गई, साथ ही मरीजों को भोजन भी करवाया जाता है। आज 193वां नेत्र क्लब है। यह संकराई हॉस्पिटल और रोटरी क्लब के सहयोग से यह कैंप हर महीने के पहले रविवार को होता है। ये 193वें कैंप में आज तक 8,000 ऑपरेशन हुए हैं। यहाँ पर जिस लोगों को आँख का प्रॉब्लम है उसको दवाई चश्मा दिया जाता है, और जिसको मोतिया का प्रॉब्लम है उनको संकराई हॉस्पिटल मोगर ले जाकर मोतिया का ऑपरेशन करके नेत्रबनी मुफ्त में बिठाया जाता है। वहाँ रहने का सब जो है वो फ्री है। खबर अहमदाबाद से है, जहां उपचुनाव प्रत्याशी धर्मेंद्र भाई पटेल ने जनसंबोधन किया। जनता को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र भाई पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान बड़ी महंगाई को अपना हथियार बनाकर तंज कसा। धर्मेंद्र उपचुनाव में अमराई बाड़ी विस्तार से कांग्रेस प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते अपने प्रचार में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मंतव्यों को लेकर विकास और महंगाई रोकने की बात कही। अपने जन संबोधन में प्रत्याशी ने बीजेपी सरकार पर महंगाई बढ़ाने और अपने वादों से मुकरने का आरोप लगाया और जनता से मतदान को लेकर जागरूक होने की अपील की। गुजरात के जम्बूसर में डॉक्टर हेडगेवार जन सतपादी सेवा समिति की ओर से रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। यह निदान शिविर सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित किया। यह स्वराज भवन गोरक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। जन्म सतपादी सेवा समिति तथा स्वराज भवन गोरक्षा समिति ना संयुक्त उपक्रम में आज रोज धीरज हॉस्पिटल द्वारा सर्वरोग निदान कैंप नु आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर खाते करवामां आवेल छे। जेमां सर्वरोग निदान कैंप राखेल छे, जेमां आँख विभाग, कान विभाग, नाक विभाग, गळा विभाग, हाड़का विभाग, ईसीजी, डायबिटीज, जनरल सर्जरी,
ફિઝિયોથેરાપી વિભાગ, સ્ત્રી રોગ વિભાગ તમામ લોકોને સહભાગી થનાર છે તથા દવાઓ વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ થનાર છે તથા જે પેશન્ટને વધુ જરૂર પડશે એ લોકોને દરેક હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવશે. એમના માટે બહાર જવાની વ્યવસ્થા પણ દરેક હોસ્પિટલ દ્વારા કરવામાં આવશે. ત્યાં રહેવાનું મફત છે, જમવાનું પણ મફત મળશે અને દવાઓ પણ મફત ઉપલબ્ધ થશે. हाजीपुर के वैशाली क्षेत्र में भीषण बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति को देखते हुए जनता में आक्रोश देखा गया. हाजीपुर डीजी कला एनएच 22 पर स्थानीय निवासियों ने एनएच 22 को पूर्ण रूप से जाम लगाकर बंद कर दिया और आक्रोश प्रदर्शन करने लगे. जानकारी के अनुसार लोगों ने बताया कि जल भराव की स्थिति से आमजन काफी परेशानियों का सामना कर रहा है. लोगों के घरों में कमर तक पानी भरने लगा है, जिसको लेकर लोगों ने स्थानीय डीएम उदिता सिंह, पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी और भी कई वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर जल जमाव की स्थिति को बताया, लेकिन प्रशासन और सरकार जनता की गुहार पर अभी भी चुप्पी साधे बैठी है. हाजीपुर में एनएच 22 इकाई से जाम कर दी जाती है और वजह जानने की कोशिश करते हैं क्या ऐसी वजह है. कुछ जनता भी हमारे यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे क्यों यहाँ पे आज आप लोगों ने एनएच को जाम किया? सर, ये 11 दिन से पानी का यहाँ पर किल्लत है. 4 दिन से पटिशन दिया जा रहा है लेकिन कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है. ठीक है, आज सुबह जो है रेलवे द्वारा प्रशासन आने का बात था. जेसीबी आया, उसके साथ कोई प्रशासन नहीं, जेसीबी घूम के चला गया. सब तर यहाँ से लेकर के वहाँ तक ले दम वीडियो साहब आए हुए थे. चार्जर्स सीओ डीओ जितने भी हैं, मुखिया, वार्ड कमिश्नर, इस सब के पास दिया हुआ, लेकिन कोई सुनवाई सर नहीं लिया जा रहा है. हम लोग के बाल बच्चा को निकलना मुश्किल हो गया है, पढ़ाई में बाधित है. ये पूजा दशहरा का टाइम है, कहीं निकलने का मौका नहीं है. हमारा तो पूर्णिमा जब भर डर पानी घर में है, खाए बिनु मर रहे हैं. हम कहाँ से खाए? रर मुसमत आदमी हाथी, एगो गाय है, भैंसी है, दूगो बकरी है, सारा मर गया. दिक्कत है, ये मेरे घर में पानी ढुका हुआ है, रहने की व्यवस्था नहीं है. मेरे टंकी उंकी सब भरा हुआ है. मेरे गाय धंस गया तो 20 आदमी मिलकर निकलवाए हैं. गाय के 60,000 की संपत्ति मेरा डूब रहा था तो निकलवाए हैं 20 आदमी मिला करके. इतना पानी है, आने जाने में दिक्कत है, बहुत समस्या है. हम लोग पूरा पैर सड़ा हुआ पानी में हिलते हिलते, समझ गए तक नहीं आया कि यहाँ क्या दिक्कत है. सीधे यहाँ पानी भरा हुआ आके देख कर चला जाता है कि हो गया भाई. कोई मुआयना यहाँ करने अभी तक नहीं आया है. यहाँ दिक्कत के कारण गुस्सा के आदमी इस पर रोड पर आके जाम किया है, नहीं तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. रोड जाम है, जनता को समस्या हो गया है, पानी डहर से ऊपर हो चुका है, सारा जनता परेशानी में है. प्रशासन को जाके बोला है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है. उसके बाद रोड बंद किया गया है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनएच जाम है और फिर काफी एम्बुलेंस वगैरह भी आ रही है, जिससे रोड जाम से ही पूरी जनता ऑलरेडी परेशान है और फिर एनएच 22 के सटे जनता जो दिखी कला वार्ड नंबर 4 है वहाँ की जनता काफी परेशान दिख रही है. कैमरा पर्सन दिनेश राज के साथ प्रकाश, नवतेज टीवी, हाजीपुर. खबर देहरादून से है जहां रावण दहन स्थल का निरीक्षण किया गया. हर साल की तरह देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रावण दहन को देखने के लिए कई लोग दूर दराज से आते हैं. हाल ही में एसपी श्वेता चौबे द्वारा ग्राउंड का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान पीडब्ल्यूडी बिजली विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे. बता दें कि 8 अक्टूबर को रावण दहन में 50,000 से ज्यादा लोगों की पहुंचने की उम्मीद है, जिसे लेकर बेलगांव का निरीक्षण किया गया है. खबरों में फिलहाल इतना ही. देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी.